सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को कुस्तुनदुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1840 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक तरफ ब्रिटेन दुनिया में नए आलम निजाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी तरफ यहूदी फिलिस्तीन के कुछ हिस्से पर अपना एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद दुश्मनों के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमला होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को पूरे अरब नुमालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल है। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई।